Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा कि हरियाणा में अगर इंडिया ब्लॉक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो उससे फायदा होगा हमें, और इंडिया ब्लॉक मतलब आम आदमी पार्टी के साथ वो लड़ना चाहते हैं। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया। मैंने कहा कि आपने उनके एक वक्तव्य का जिक्र किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के लिए आप सक्रिय हैं, इंडिया अलायंस में आप सक्रिय हैं, ऐसे में ये हरियाणा के चुनाव से संबंधित बात है, ये लोकसभा चुनाव से संबंधित बात नहीं है या ऐसे किसी राज्य से संबंधित नहीं है जहाँ पे मैं प्रभारी हूँ। तो जो लोग संगठन का, पार्टी का एक काम करने का तरीका होता है, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, वहाँ के संगठन का काम संदीप पाठक जी देख रहे हैं, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो पार्टी में का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, ये सब तय करने के बाद पीएसी। हरियाणा और दिल्ली में दरवाजे खुले हैं क्या कांग्रेस के लिए, कोई बातचीत की जगह है क्या? अब आपने एक सूचना दी है, उसके बारे में और जानकारी लेके तब बताऊंगा।